सुनो, श्री बाबूराम नगला जयमल थाना जसरल जनपद एटा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आपने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। हाँ, ऐसा सीओ अलीगंज है, ये हमें फर्जी मुकदमा लगा रहा है। मेरे साथ कथित घटना हुई थी जिसकी लूटपाट हुई थी और गांव के दबंगों ने मेरे साथ मारपीट की थी, लेकिन पुलिस और सीओ अलीगंज रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी, तो मैंने इनकी शिकायत कर दी थी एसएसपी साहब से, तब मेरा कहीं मुकदमा दर्ज हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने मुझ पर फर्जी मुकदमा विपक्षी गढ़ों से लगवा दिया 3-7 का, और दबिश देने लगे और बहुत सोफर करते हैं। फिर पुनः एक मुकदमा और इन्होंने लगवा दिया जब हमने शासन आला अधिकारियों शिकायतें की, और ये सीओ अलीगंज और थाना जसरतपुर के क्रिफ्ट अवतार द्विवेदी उपनिरीक्षक 20 तारीख को हम जब गांव गए और 50 गुंडों के साथ इन्होंने और जगह ये साले को मार दो जान से, सीओ अलीगंज अजय भदौरियान कही जगह इसको बचना न पाए, बहुत शिकायत करता है, और ये कई अन्य मुकदमे लाद देंगे इस पर, तो कहीं तक हमें न्याय नहीं मिला, सारे अधिकारियों पास गए न्याय नहीं मिला, मजबूर हैं मैं, इसलिए हमने राष्ट्रपति महोदय जी से इच्छा मृत्यु की मांग की है। हमें एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें जसरपुर के नगला जयमल का प्रकरण है, इसमें पारिवारिक विवादों के कारण भाई भाई का जमीन बंटवारी का विवाद है, एक दूसरे के ऊपर अभी पंजीकृत कराया जा रहा है, उसी में एक पार्टी मुकेश भी है, इन्होंने अपने एक इसके रिश्ते में भाई लगता है, जसरा भाई लगता है, उसने उसकी मृत्यु हुई थी, आत्महत्या की थी, उसमें एक हत्या का मुकदमा अपने परिजनों के विरुद्ध, अपने चाचा ताऊ के विरुद्ध लिखवाया था, जिसमें जांच के उपरांत वो हत्या का मामला ना पा गया, आत्महत्या का पाया गया था, इसलिए एक्सपेंजर मामला है पाला गया उसमें। दूसरा प्रकरण इसी के खिलाफ लिखा है जिसमें अभद्रता करने बलात्कार जैसे आरोप लगे हुए हैं, इसी विवेचना की जा रही है, विवेचनाधीन है मामला, इसी संदर्भ में इन्होंने एक नया मामला बताया है कि अगर इसे विवेचना खत्म नहीं की गई और इनके पक्ष में कार्रवाई नहीं की गई तो इनके द्वारा ऐसा किया जाएगा, इसमें निष्पक्ष विवेचना की जा रही है और देखा जाएगा कि इस तरह की कोई स्थिति न उत्पन्न हो।